सो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फेसबुक तो आप सभी अपने मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल करते ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक की 10 खुफिया सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक का डेली यूज करते हैं तो आपको इन 10 खुफिया सेटिंग्स के बारे में पता होना ही चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत बात करते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपको फेसबुक को चलाने में पहले से ज्यादा मजा भी आएगा और दोस्तों ये फीचर्स आपकी पूरी लाइफ काम आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको फेसबुक की पहले नंबर की खुफिया सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब दोस्तों आपको अपनी फेसबुक को यहां पर ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि दोस्तों जो आपकी फेसबुक आईडी है, पहले नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपकी फेसबुक आईडी हैक तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है आपको। दोस्तों यहाँ पर आना है, अपनी फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 लाइन का, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों उसी के नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपकी फेसबुक आईडी हैक तो नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ध्यान से देखना, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है वेयर यू आर लॉग इन, ठीक है। इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी फेसबुक आईडी भी देखने को मिलेगी, इंस्टाग्राम वाली भी देखने को मिलेगी। आप पता करना चाहते हैं अपनी फेसबुक आईडी का, ठीक है। तो आपको दोस्तों फेसबुक पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे, जो भी आपकी आईडी है, कितने मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन है आप पता कर सकते हैं और आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब दोस्तों जो मेरी आईडी है वीवो T1 में इन्फिनिक्स नोट 35G में एक्टिवेट हो रखी है। दो दोस्तों ये मेरे मोबाइल फोन है दोनों, तो ये आईडी मेरी है और ये दोनों मोबाइल फोन भी मेरे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर कोई आपको दूसरा मोबाइल फोन नजर आता है, ठीक है, तो दोस्तों आपको तुरंत क्या काम करना है, उसको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट, ठीक है। आप दोस्तों जिस भी मोबाइल फोन से लॉग आउट करना चाहते हैं उस पर टिक करना है और इसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपकी फेसबुक आईडी हैक तो नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी फेसबुक की पहले नंबर की ट्रिक है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ये फीचर्स आपकी पूरी लाइफ काम आएंगे और इन फीचर्स को आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब दोस्तों मैं आपको फेसबुक के सेकेंड नंबर के फीचर के बारे में बताने वाला हूं, इसको भी ध्यान से देखना। दोस्तों बहुत से बंदे होते हैं उनको इंग्लिश में फेसबुक का यूज करना नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपनी फेसबुक को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं या दोस्तों किसी और भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोस्तों कैसे करेंगे, आपको फिर से यहीं पर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंग्वेज एंड रीजियन, ठीक है। इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अकाउंट एंड ऐप लैंग्वेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी भाषा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप दोस्तों जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं फेसबुक के अंदर, आपको जो भी भाषा आती है, तो दोस्तों आप उसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और फेसबुक को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है फेसबुक की सेकंड नंबर की ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फेसबुक की तीसरे नंबर की खुफिया सेटिंग के बारे में, ठीक है। दोस्तों आपको कैसे यूज करनी है, अब देखो ध्यान से। आपको फिर से यहीं पर आना है, सेटिंग के ऑप्शन में आना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आना है, डार्क मोड का, ठीक है। दोस्तों इस फीचर्स की मदद से आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को भी और ज्यादा यूज कर सकते हैं। आपको दोस्तों डार्क मोड पर क्लिक करना है और इस डार्क मोड को इनेबल कर देना है। अब दोस्तों इससे क्या होता है ना, जैसे आप नाइट में फेसबुक का यूज करते हैं, साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आप अपनी फेसबुक के अंदर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक की
चार नंबर की सेटिंग के बारे में। यदि दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की कमी है, 1 GB इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है फेसबुक चलाते टाइम, ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी फेसबुक के अंदर एक ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जिस सेटिंग की मदद से आप अपने 1 GB इंटरनेट को पूरा दिन तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो दोस्तों कैसे करना है, अब देखो ध्यान से, फिर से सेटिंग में आना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने मीडिया का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर होगा ऑप्टिमाइज पर, ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज पर यहाँ पर रहेगा। अब करना क्या है, आपको इसको यहाँ पर डाटा सेवर मोड पर यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 40% लेस डाटा आपका बचने लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपका इंटरनेट 7-8 घंटे चलता था, इस सेटिंग को करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट को पूरा दिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब मैं दोस्तों आपको फेसबुक की 5 नंबर की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आप अपनी फेसबुक को यूज करते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मैंने फेसबुक को कितना चलाया है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग पर आ सकते हैं। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि इस फीचर्स की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आप फेसबुक को कितना यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर टाइम ऑन फेसबुक, ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज योर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी एक लिमिट को सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप अपनी दोस्तों 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, दोस्तों इस लिमिट से ज्यादा यदि आप फेसबुक चलाएंगे तो दोस्तों आपकी फेसबुक पर एक मोड आ जाएगा, ठीक है, कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने आज 20 मिनट फेसबुक चला लिया है, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं यहाँ पर क्यूट मोड ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर दोस्तों आप 1 घंटे का QR दोस्तों कोड कर सकते हैं, ठीक है। इससे दोस्तों क्या होगा मैं बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर 4 घंटे फेसबुक का आपने यूज कर लिया, ठीक है, अब दोस्तों 2:30 बजे तक यदि आप फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपकी फेसबुक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूँ आपको फेसबुक की 6 नंबर की सीक्रेट सेटिंग के बारे में। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, आप फोटो डालकर रखते हैं अपनी फेसबुक के अंदर, उन फोटो को कोई भी बंदा डाउनलोड कर लेता है, पता लगा लेता है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन है, ठीक है। लेकिन यदि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करके रखेंगे फिर दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी बंदा लीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैसे करना है, फिर से सेटिंग में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल लॉकिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉक योर प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों क्या होगा, आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यू लॉक योर प्रोफाइल, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। यदि आप अनलॉक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है और दोस्तों फिर से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये फीचर्स, इसके लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ फेसबुक के 7 नंबर के सीक्रेट सेटिंग के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे आपको करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस सेटिंग का क्या काम है, अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब आप फेसबुक का यूज करते हैं, आपको कोई भी बंदा दोस्तों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगता है, आप उसको जानते भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप फेसबुक के अंदर ये वाली सेटिंग करके रखेंगे तो कोई भी बंदा आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा, आपकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है। आपको यहां पर आना है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, इस पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपको दो सेटिंग करनी है, वो कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों ये फीचर्स रहेगा एवरीवन पर सिलेक्ट। अब दोस्तों इससे क्या होता है ना, यदि आप इसको एवरीवन पर रखेंगे फिर दोस्तों कोई भी बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। यदि आप इसको रखेंगे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, जितने भी आपके फ्रेंड हैं और उसके फ्रेंड हैं सिर्फ वही बंदे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएंगे और किसी भी बंदे के पास वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है वो कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये भी समझना चाहिए, जो दोस्तों जो आपकी जो फ्रेंड लिस्ट होती है, कितने आपके फ्रेंड है, यदि आप चाहते हैं उन फ्रेंड को सभी बंदे देखें तो यदि आप पर पब्लिक कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं फ्रेंड जो आपके फ्रेंड है वो फ्रेंड देख सके, ठीक है, यदि आप चाहते हैं
कि सिर्फ मैं ही अपनी फ्रेंड लिस्ट को देख पाऊं, तो आप यहां पर ओनली मी पर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड है ना, सिर्फ आप ही उनको देख पाएंगे, ना तो आपके फ्रेंड देख पाएंगे ना कोई भी बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट देख पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक के 8 नंबर के सीक्रेट फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब यदि आप दोस्तों फेसबुक पर कोई स्टोरी लगा सकते हैं, लगाते होंगे, यदि आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी फेसबुक की स्टोरी पर प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टोरी पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो कैन सी योर स्टोरी, इस पर क्लिक करना है। यदि आप दोस्तों जब भी फेसबुक पर स्टोरी लगाते हैं, आप चाहते हैं कि जितने भी फ्रेंड हैं या पब्लिक हैं आप सभी वो देख पाएं, ठीक है, तो आप पब्लिक कर सकते हैं, फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो फ्रेंड कर सकते हैं। यदि आप किसी एक बंदे से स्टोरी हाइड करना चाहते हैं, फ्रेंड एक्सेप्टेशन पर क्लिक करना है, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस पर क्लिक करना है और इसको डन कर देना है। अब जब भी आप फेसबुक पर स्टोरी लगाएंगे तो इस एक बंदे को आपकी स्टोरी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक की 9 नंबर की सेटिंग के बारे में। अब दोस्तों इससे क्या होता है, अब देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी बंदा आपको मैसेज करने लगता है, आप उस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको सेटिंग में जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लॉकिंग का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों वो बंदा आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको टैप करना है और आप उसको यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी बंदे को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको फेसबुक के लास्ट नंबर के 10 नंबर के फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। दोस्तों इस फीचर्स की मदद से आप 24 घंटे ऑनलाइन रहकर ऑफलाइन दिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप दोस्तों फेसबुक का यूज करते हैं और सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि ये बंदा फेसबुक पर ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। यदि आप फेसबुक पर ऑनलाइन होते हुए ऑफलाइन दिखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये सेटिंग करनी है 10 नंबर की, ठीक है। आपको करना कैसे है, आपको यहाँ पर आना है, फिर से सेटिंग एंड प्राइवेसी पर, सेटिंग पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस सेटिंग को यदि आप बंद कर देंगे ना तो दोस्तों आप 24 घंटे ऑनलाइन रहकर ऑफलाइन दिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को दोस्तों एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। दोस्तों चलिए आपका दिन शुभ हो।